दोस्तों कल जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने YouTube के नए अपडेट के बारे में बताया था, तो अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो, YouTube पे आप वीडियोस बनाते हो, तो उस वाले वीडियो को जा करके जरूर देखिए। YouTube की तरफ से दो बहुत ही बड़े बड़े अपडेट आए थे जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप सभी के लिए। और उसी वीडियो के ऊपर में मुझे कमेंट आया था कि YouTube के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं चैनल पे, उनमें से कितने लोगों ने बेल बटन को यानी कि बेल आइकन को क्लिक करके रखा हुआ है, ये जानने के लिए एक स्टेप है YouTube की तरफ से जो कि बताया गया है। यहाँ पर हम अभी जान सकते हैं कितने परसेंट यानी कि कितने हमारे सब्सक्राइबर्स ने बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया है। तो आज का ये वीडियो इसी के बारे में है। मैं आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे ले जाकर के बताऊंगा कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कितने सब्सक्राइबर्स ने बेल आइकन को दबाया हुआ है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, चलते हैं फटाफट से मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। और अगर हाँ, ये वीडियो स्पेशली आपके डिमांड के ऊपर में है, आपने कमेंट किया इसके लिए है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए अगर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। हम चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन पे, पूरा कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताता हूं कि किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कितने परसेंट लोगों ने आपके बेल आइकन को दबा करके रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलो अपने यूट्यूब अकाउंट पे लॉगिन हो जाते हैं। तो मैं यहां सर्च पे जाता हूं और सर्च पे जाने के बाद यहां पे youtube.com पे क्लिक कर लेता हूं। तो जैसे हम यहाँ पे youtube.com पे क्लिक करेंगे ना गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा YouTube जो है वो इस तरह से यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये करना है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि ये जो अपडेट आया है जहाँ पे आप देख सकते हो कितने परसेंट लोगों ने आपके बेल आइकन को दबाया है, इसको देखने के लिए आपको YouTube का क्रिएटर स्टूडियो बीटा जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो बीटा को यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम में एक डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन दिखता है, तो हमको सबसे ऊपर में सर्च बार जो है उसके पूरे राइट साइड में हम देखेंगे तीन हमको बिंदु दिखाई देते हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे यहाँ पे हमको डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारा डेस्कटॉप साइट जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, जितना अच्छा आपका इंटरनेट रहेगा उतनी जल्दी ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट जो है वो स्लो रहता है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से हमारा जो है क्रिएटर स्टूडियो यहाँ पे टोटली जो है मतलब यूट्यूब जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरह से कंप्यूटर में स्टार्ट होता है। तो पूरा कंप्यूटर के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब हमको यहाँ पे अपने चैनल के लोगो के ऊपर में क्लिक करना है, तो मैंने यहाँ पे लोगो पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर में आपको दिखाई दे रहा है YouTube स्टूडियो बीटा, तो यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है YouTube स्टूडियो बीटा पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोडिंग लेना स्टार्ट कर दिया है, वापस से ये लोड हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको बस वेट करना है, जैसा आपका इंटरनेट है, और मैंने पहले ही बताया कि इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है टोटली, और यहाँ पे टोटली डेस्कटॉप के हिसाब से ये खुल रहा है तो ज़्यादा इंटरनेट इसको लगेगा, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कीजिए। हमारा भी ये फटाफट से बस खुल ही रहा है, तो YouTube स्टूडियो जो बीटा वर्जन है वो आपका यहाँ पे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे YouTube का जो बीटा वर्जन है वो यहाँ पे हमको खुल करके मिल गया है। तो यहाँ पे आपको टोटल चैनल का एनालिटिक्स जो है वो दिखाई दे देगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में एनालिटिक्स का एक ऑप्शन दिखता है, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। देखो ऊपर में डैशबोर्ड है, उसके नीचे वीडियो है, फिर उसके नीचे में थर्ड नंबर पर एनालिटिक्स है, तो मैं यहाँ पे एनालिटिक्स पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, मैंने एनालिटिक्स पे क्लिक किया। एनालिटिक्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बिल्ट एन ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गाइस यहाँ बिल्ट एन ऑडियंस पे क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सब कुछ बताने लगेगा। और उसके बाद में धीरे धीरे करके हम नीचे जाएंगे, तो आप यहाँ पे जा करके देखना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सब्सक्राइबर बेल नोटिफिकेशन कि कुछ 19,000 लोगों ने यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक किया हुआ है, और टोटल जो सब्सक्राइबर बेल आइकन को दबा करके रखे हैं वो हैं कुछ 35,000। तो इस तरह से आप भी अपने चैनल का चेक कर सकते हो कि कितने परसेंट लोगों ने आपके बेल आइकन को दबा करके रखा हुआ है। और इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बहुत ही जल्दी बनाने वाला हूँ, जिससे कि मैं आपको बताऊँगा कि आप ये बेल आइकन वाला जो बटन है इसको किस तरह से मतलब ऐसे करके वीडियो में बताओगे कि आपका बेल नोटिफिकेशन लोग ज़्यादातर दबाएं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएं वीडियो के ऊपर में। ये वीडियो कैसा लगा आप जाकर के कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को बिल्कुल जरूर ही जरूर दबा दें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गाइस रखिए अपना ख्याल। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।